7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमला करके हमास ने युद्ध की जो आग भड़काई थी, अब वो गाजा से निकलकर लेबनान तक पहुंच चुकी है। और इस आग में सिर्फ हिजबुल्ला ही नहीं, पूरे लेबनान की जनता जल रही है। लेकिन इसके बावजूद हिजबुल्ला हथियार डालने को तैयार नहीं है। और अब हिजबुल्ला अपने तरकश से ऐसे ऐसे हथियार निकाल रहा है जिनका इस्तेमाल उसने अभी तक नहीं किया था। यहाँ तक कि हिजबुल्ला के ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलें अब इसराइल के और ज्यादा भीतर तक हमला कर रहे हैं। इसका जीता जागता सबूत 19 अक्टूबर 2024 को नेतन्याहू के घर पर हुआ ड्रोन हमला है। और यही वजह है कि अब हिजबुल्ला ने कह दिया है कि वो इसराइल के सामने एक इंच तक नहीं झुकेगा। हालांकि इजरायली फौज भी हिजबुल्ला की कमर तोड़ने में लगी हुई है, लेकिन आईडीएफ के तमाम हमलों के बावजूद हिजबुल्ला आईडीएफ के ऊपर दनादन हमले करने में लगा है। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने इजरायल को एक बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल हिजबुल्ला ने लेबनान के जिपचिट कस्बे में आईडीएफ के हरमस 450 ड्रोन को ढेर कर दिया। हिजबुल्ला के मुताबिक 22 अक्टूबर 2023 को शाम करीब 5:40 पर इस ड्रोन को निशाना बनाया गया। हिजबुल्ला के मुताबिक इसराइल के एक और हरमिस 450 ड्रोन पर जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइल से हमला किया गया। ये ड्रोन लेबनान के अल इक्लिम इलाके में उड़ रहा था। हालांकि हिजबुल्ला के हमलों की वजह से इस ड्रोन को पीछे हटना पड़ा। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर 2024 से हिजबुल्ला इसराइल के 4 हरमिस वेरिएंट के ड्रोन गिरा चुका है। इसमें एडवांस हरमिस 900 ड्रोन भी है। और इस अटैक के अलावा हिजबुल्ला ने आईडीएफ के ऊपर लेबनान के भीतर और बाहर दर्जनों हमले किए। इन हमलों में इसराइल के 2 रिजर्व सैनिक मारे गए हैं, जबकि कई सैनिक घायल हुए। और इसको लेकर सफद के जिव मेडिकल सेंटर का कहना है कि उसने 22 अक्टूबर को अकेले 14 घायल सैनिकों को भर्ती किया है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला का ये भी कहना है कि उसने लेबनान बॉर्डर के पास आईडीएफ के 6 मेरकावा टैंकों को उड़ा दिया। इनमें से 5 टैंकों पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया था। इनमें से एक टैंक रब अल थलातीन गांव के बॉर्डर के पास नष्ट किया गया, जबकि एक दूसरा टैंक इसी इलाके और अल तैयबे के बीच में हिजबुल्ला के हमले की वजह से तबाह हो गया। हिजबुल्ला का कहना है कि बाकी टैंकों को ओडिसिया, अल तैयबे और मिसगाव अम के बाहरी इलाकों में निशाना बनाया गया। हिजबुल्ला ने दावा किया कि आईडीएफ के लेबनान पर जमीली हमला करने के बाद उसने आईडीएफ के कुल 26 मेरकावा टैंकों को उड़ा दिया है। और इन हमलों के दर हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल के तटवर्ती इलाके में भी ड्रोन्स का एक जत्था फायर किया। और इस हमले की वजह से मैनिशे और नेतन्याह सेटलमेंट के उत्तर पूर्वी इलाकों में हवाई हमलों के सायरन बजे। गौर करने वाली बात यह है कि पूरा ही इलाका लेबनान बॉर्डर से करीब 86 किलोमीटर की दूरी पर है। हिजबुल्ला का ये भी कहना है कि कब्जे वाले फिलिस्तीन के कई जिलों में ये ड्रोन करीब 40 मिनट तक मंडराते रहे, क्योंकि इसके बाद मैनेशा ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर एक ड्रोन जाकर फट गया, क्योंकि आईडीएफ के जेट्स और हेलीकॉप्टर इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाए।